Hey guys, welcome to a new vlog. Today is 23rd of August 2023 और हम हैं चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में। ये हमारी ट्राम पीछे आ गई है, ये हमें लेके जाएगी सिटी कासल। ये देखो, यहाँ से कासल दिख रहा है। ये वाला पूरा वही गॉथिक डिजाइन का है और गॉथिक आर्किटेक्चर बहुत है प्राग में। एक छोटा सा पैलेस टाइप आया है पार्क के अंदर। ये क्या, बच्चों के स्टैचूज हैं, बड़े मोटे मोटे बच्चे। ये भी बच्चों के स्टैचूज हैं, लाइन पे खेल रहा बच्चा। भांति भांति के फूल हैं, ठीक है। गोभी के पत्ते लगे रखे हैं। ऐसा लग रहा है इसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ने की कोशिश में। पेड़ है, पेड़ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। स्पेशली लिखा हुआ है घास पे ना चले। कुछ ग्रुप टूर्स चल रहे हैं यहाँ पे। ये इन्होंने गार्ड्स खड़े कर रखे हैं। कुछ इस टाइप के स्क्वायर पे आप निकल गया होगे। ये क्या है, ये कुछ अलग सी चीज दिख रही है। दिस इज सेंट लुम्बिला चर्च। ये पूरा एरिया है ना, ये कासल का एरिया है। काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। ये देख लो गाइस, व्लॉगिंग चल रही है। ये देखो यार, साइड से मतलब ऊपर तक एक तो हाइट कितनी अच्छी है। ये देखो यार, अंदर से ऐसा कुछ है। ये विंडोज पे बाइबल की स्टोरीज वगैरह ये सब होती हैं। इस साइड भी, उस साइड भी। यार ये कुछ इन्होंने यहाँ पे स्टैचू बीच में बनाया हुआ है, जो ये सेंटर पीस काफ़ी सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो यार, यहाँ से प्रॉपर ना उसका फ्रंट वाला व्यू आ रहा है। उस साइड से तो जगह भी कम थी। एंड ये देखो, गोल्ड का सब कुछ है और ये क्लॉक भी है। मतलब इधर वाला जो है वो पूरा 100% गॉथिक एलिमेंट है। अगर आप ऊपर जाओगे तो फिर आर्चेस और जो आर्चेस के अंदर डिज़ाइंस हैं, इधर वाले जितने भी डोम्स के और सब कुछ है ना, ये सारा गॉथिक एलिमेंट में आ जाता है। पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो, उधर देखो। एंड कैफेज भी हैं काफी सारे ना, अगर आपको भूख लगे, खाना हो, कुछ क्लासिक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। ये देखो, इसी चीज के लिए तो आए थे ना इतना ऊपर। यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। इधर ये सब ऑरेंज कलर के हाउसेज हैं ऊपर से सीलिंग, और वो उधर आपको रिवर दिख रही होगी। एंड बिसाइड द रिवर उधर वो पूरा ओल्ड टाउन का एरिया। इसके लिए आए थे कासल पे, ये मिल गया तो मतलब अच्छा ही हो गया। काफ़ी उन्होंने मैप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े डिटेल्ड लगा रखे हैं। ये देखो, ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। एक्टिंग करके भीख मांग रहा है। पेंटिंग वेंटिंग चाहिए हो प्राग की कुछ क्रिएटिव सी, तो वो भी चलते चलते यहाँ से परचेज कर लो। अरे ये पहुँच गए हम यहाँ से नीचे, ज़्यादा क्लाइम डाउन नहीं था। ये वियना और बुडापेस्ट की तरह ना, यहाँ पे भी आपको ये विंटेज सो कॉल्ड कार्स मिल जाएंगी। अब यहाँ से हम ट्राम ले रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, प्राग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, वहाँ की तरफ चल रहे हैं। यार ये है स्टारोस मैथिस के नेमेस्टी। सो नेमेस्टी को यहाँ स्क्वायर को नेमेस्टी बोलते हैं। ये आई थिंक कोई चर्च टाइप लग रहा है। और यहाँ देखो, ओवरऑल कितना सही ये जगह लग रही है। तो यार ये देखो, ये है प्राग की द वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है आई गेस। और भीड़ देखो ऐसे देखने की लोगों की। ये देखो, इसमें ना ऊपर अभी शो टाइप हो रहा है। अब ये बंद हो गए गेट्स। देखो यार, चलते चलते ना फिर वही चर्च वाली रोड पे आ गए थे जहाँ कल आए थे। और ये देखो, यहाँ फाउंटेन बना हुआ है, आराम से नहाओ, खेलो, बच्चे खेल रहे हैं। तो यार ये ना स्पाइरल पोटैटोज़ यहाँ पे बहुत खा रहे थे लोग। पोटैटोज़ की बहुत सारी डिशेज हैं, सब कुछ हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। 100 krona का था, थोड़ा सा महंगा है। सेंटर स्क्वायर पर ही मैं घूम रहा था, पिज्ज़ा हट गया, एक पिज्ज़ा खाया, बढ़िया मार्गरीटा, टेस्टी था। एक बार H&M हो आते हैं यहाँ पे, अगर कुछ अपने को मिल जाए ना। अच्छा तो यार, थोड़ा सा पोपट हो गया है यहाँ, मुझे पता चला कि ये सिर्फ वुमेन्स वाला स्टोर है। तो यार आप सोच रहे होगे कि बाटा बताओ यहाँ भी खुला हुआ है। तो एक फन फैक्ट बताता हूँ, बाटा इज़ नॉट अ इंडियन ब्रांड, ऑल दो सबको लगता है, बट इट इज़ एक्चुअली अ चेक ब्रांड। तो यार ये देखो, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट चर्च, और अंदर कितना ज़्यादा गोल्ड का यूज़ है,
चाहे वो स्टैचूज हों या फिर ये पीछे वर्शिप प्लेसेस हों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सर ये देखो, ये रहा वो जो अभी चर्च में हम गए थे अंदर, जहाँ वीडियो अलाउड नहीं थी, चर्च ऑफ आवर लेडी बिफोर ट्राइन। ये कोई स्टैचू लगा हुआ है किसी गॉड का ही होगा आई गेस। इस तरफ है प्राग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक और उसमें अपोस्टल्स का शो होता है हर घंटे, सुबह 9 बजे शुरू होता है 11 बजे तक। तो अगर आप कभी प्राग विजिट करो तो ये एक मस्ट डू अट्रैक्शन है। फिर चलते हैं यहाँ के द फेमस जॉर्ज ब्रिज पे, जो बहुत ही पुराना ब्रिज है। तो ये केक है यहाँ का बड़ा फेमस ना, काफ़ी सारे लोग ट्राई कर रहे थे, मैंने कहा चलो देखो जिस तरीके से बनता है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं अंदर, और ठीक है, अच्छा है, डिसेंट है। तो मतलब इंडिया है यार, ये मक्खी यार, ये मधुमक्खी बहुत परेशान कर रही है केक के पीछे। यार अब हम पहुंचे हैं चार्ल्स ब्रिज पे, जो कि बड़ा ही पुराना ब्रिज है। ये भी एकदम गॉथिक डिज़ाइन में ही बना रखा है यार, सारे स्टैचूज वगैरह और सब कुछ। तो यार बेसिकली एक एम्परर हुआ करता था चार्ल्स 14th century में, तो उसने ये ब्रिज बनवाया था विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा है व्यू यहाँ का भी काफ़ी, एंड यहाँ से बोटिंग वोटिंग का भी होता है कुछ, वैसे कुछ स्टैचूज लगे हैं, वही है कुछ ना कुछ विक्ट्री के बारे में, उनके बारे में ये सब चीज़ें। यहाँ से देखो सामने कासल का क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो ये है यार दूसरी वाली साइड उसकी ना, चार्ल्स ब्रिज की। तो इधर भी टावर है, वैसे साइड में बनाया हुआ है, या तो ब्रिज टेढ़ा है इस वजह से इसको इन लाइन रखने के लिए इधर किया गया है, वरना उसके अंदर से जाते हैं, ये ब्रिज के एकदम बगल में। इस स्टैचू में दिखाया गया है कैसे क्रिश्चियंस को बंदी बना के रखा गया था टर्क्स के द्वारा, और कैसे वो प्रे कर रहे थे बचने के लिए। यार यहाँ ना मधुमक्खियों से बड़ा बच के रहना बहुत ज़्यादा है, और अभी एक दो तो डंक मार गए। ये देखो ये डस्टबिन जो है ना, इन पर सबसे ज़्यादा मंडरा रही हैं। तो ये लाइन की राइड हो रही है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पता नहीं ट्राई कर रहे हैं हम तो इधर ही फुटपाथ पे, इसलिए ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं रहे। यार ये ना प्राग बोट्स का वो था टिकट काउंटर, तो यहाँ से इनकी क्रूज चलती है 1 आवर की, जो कि अभी हमने परचेज किए 2 टिकट्स, और ये हमें पड़ा 900 क्रोनास, रफली मेरे कार्ड पे चार्ज हुए 39 यूरोस। तो एक बार ट्राई करते हैं, दिखाते हैं आपको भी, बोट्स अच्छी हैं इनकी। और अच्छा यार शाम को ना ये सिटीज एकदम लाइटली हो जाती हैं। और ये कार देखो आप, और देखो कितना पुराना कैफे है, जो मैं पैदा हुआ था तब से ये। से यार देखो सनसेट में ना कितना सही लग रहा है, ये रिवर के सामने, वहाँ से अपना क्रूज है अभी, थोड़ा सा टाइम है उसको। एंड लुक एट दिस सिटी, कितनी ही अच्छी लग रही है ये। बस ये लग रहा है यार यहीं रुक जाओ, यहीं बैठे रहो, इस बस पीस को एंजॉय करो, और कुछ नहीं। क्या है मतलब, ये देखो ये सनसेट, इससे ज़्यादा इससे अच्छा क्या मिलेगा, और इस लोकेशन पे क्रूज़ पे देखते हैं कैसा कैसा मज़ा आता है। यार ये देखो अभी हम यहीं से टिकट लेके गए, हमें मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगे होंगे, और अब क्यों देखो आप, वहाँ काउंटर है, वहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रही है। ये वाला टाइम बड़ा पॉपुलर होता है, एंट्री की भी लाइन देखो लग चुकी है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला एक्सपीरियंस हो रही है। अपने सामने क्रूज़ आ चुकी है, 2 लेवल की, एक नीचे की एक ऊपर की, और हम तो फिर भी यार लाइन में बहुत आ गए हैं। वो कहाँ तक लाइन लग चुकी है, पीछे वहाँ तक। ये जो क्रूज़ है ना पूरा इलेक्ट्रिक है, और इसमें नीचे ये रेस्टोरेंट है पूरा, बिग ग्लास विंडोज, वहाँ पर टिकट स्कैन हो रही है। तो यार ऐसा कुछ है, ये क्रूज़ काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा प्रीमियम सा ना, फ्रंट सीट मिल गई है। और सनसेट में ये रिवर क्या सुंदर लग रही है। इस व्यू के साथ अगर आपको कुछ ड्रिंक्स भी इंजॉय करनी है, तो ये इनका रेट कार्ड है, वाइन है, कॉफ़ी या कुछ भी चाहिए। सो देयर इज बियर, क्रूज अपना चल पड़ा है, इधर आपको कासल दिख रहा होगा। अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं बट यार अपनी इंग्लिश में भी करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा मज़ा आता है। ये देखो ये है चार्ल्स ब्रिज, ये आपको कासल दिख रहा है, प्राग कासल। ये एक रेस्टोरेंट भी है, अच्छी सर्विस है, मतलब अगर कुछ भी आपको चाहिए ना, जैसे ये लोगों को वेलकम ड्रिंक आई थी।
यार ओवरऑल अगर इसका रिव्यू दो ना मैं टूर का, अच्छा है, बोट वोट अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, व्यूज भी अच्छे हैं, बट ये है कि डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट कवर कर रही है। तो ठीक है यार, पर यूरोप में ना 18 यूरो में कहीं नहीं आपको क्रूज मिल रहा। अरे ये कासल दिख रहा है सामने, मतलब क्या सुंदर लग रहा है रात को लाइटिंग में। मेरी तो एडवाइस यही रहेगी ना, ये वाला अगर आप लो क्रूज रात को लो। तो अब तो चल रहे हैं होटल वापस यार, अपना रिलैक्स करके बाथटब में थोड़ा चिल करेंगे। अरे यहाँ आप गाड़ियों का कलेक्शन देखो, डॉज, मर्सिडीज EQS, एस क्लास मर्सिडीज, एंटले, बेंटागिया, जी वैगन, ये मेबैक है। ये पिकअप ट्रक कब बना दिया मेबैक ने यार, ये इन्होंने मॉडिफाई करवाया है। अंदर से भी ये मेबैक सा लग रहा है, पीछे भी मेबैक XL। मुझे तो लग रहा है पता नहीं ज्यादा ही पैसा है इनके पास फालतू का।